स्टूडेंट्स तो आप कैसे हो, अच्छे हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए भिनार क्लास की तरफ से, मैं प्रहलाद सिंह, स्पेशल जूलॉजी का एक सिलेबस लेके आया हूँ जो बीएससी सेकेंड ईयर को कवर करेगा। या हम ये कह लें कि बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी का जो फर्स्ट पोर्शन है या फर्स्ट पेपर होने वाला है, जिसके अंतर्गत हमको कॉर्डेटा पढ़ना था। तो किंगडम कॉर्डेटा जो है उसमें क्या पढ़ने को मिलता है और स्पेशल कौन कौन से ऐसे यूनिट्स होंगे जिसके अंतर्गत सारे चीज को कंप्लीट किया जाएगा। तो हम जानते हैं कि जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है इसके अंतर्गत तो 4 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक, छोटे छोटे 4 यूनिट पढ़ने हैं। हर एक यूनिट से बड़े क्वेश्चंस 10-10 नंबर के आते हैं 4, और हो सकता है 2.5 नंबर के 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहां से कुल क्वेश्चंस भी कुछ कवर करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन यहां पे केवल सिलेबस के बारे में दूंगा। तो यहां पे मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूं, स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा हर एक सिलेबस के जो भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट बाई पॉइंट्स। तो सबसे पहले बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोल रहा है कि पहले सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक सा चीज पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे कि जो फाइलम कॉर्डेटा है, फाइलम कॉर्डेटा का एक ब्रीफ नोट चाहिए। और सही से यदि हम कह लें तो ये देखो, पूरा का पूरा बुक स्टार्ट जब होता है तो हमको फाइलम कॉर्डेटा के बारे में जानकारी लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा के बारे में आप नहीं जान रहे हो, फाइलम को पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो बताओ आप ह्यूमन के बारे में नहीं जान रहे हो, या फिर ह्यूमन की बॉडी के जो अरेंजमेंट है उनको नहीं जान रहे हो कि ये कैसे बने हैं। अब स्पेशल आप प्राइमेट्स के किसी भी एनिमल्स को उठा लो, या फिर हम ये कह लें कि प्राइमेट्स को आप नहीं जान रहे हो कि प्राइमेट्स क्या है, कॉर्डेटा क्या है, या मेमेस ग्रुप क्या है, तो आप ह्यूमन को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये कह लें कि क्लासिफिकेशन अरेंज होना जरूरी है किसी भी एनिमल के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या, इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे किसके, कॉर्डेटा का। पेपर में आता भी है कि कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन करते हुए एग्जांपल दीजिए, 10 नंबर के कई बार आए हैं। हम देखेंगे अपने स्पेशल जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पेपर सीरीज था, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा एक को, आप जाएंगे तो मेरा जो स्पेशल सारे की कैटेगरीज हैं, ऐसे कह ले कि जो मेरे प्लेलिस्ट बने हैं, प्लेलिस्ट में एक आएगा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आपके लगभग इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चंस होते हैं या फिर ऐसे स्पेशल कुछ मल्टीपल चॉइस के जो पेपर हैं, या फिर कह ले कि जो MQ क्वेश्चंस हैं, वो सारा का सारा क्वेश्चंस वहां पे मिल जाता है आपको कि आप वहां से उठाकर अपनी जानकारी कंप्लीट कर सकें। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि फाइलम कॉर्डेटा के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि फाइलम कॉर्डेटा क्या कहता है और इसके बारे में हमको क्या जानना चाहिए, और उसके एग्जांपल भी कवर कर लेंगे। आगे बात करते हैं कि इसको देखो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तीन पार्ट में डिवाइड करने का मतलब पहले इन्होंने क्या किया है, प्रोटोकार्ड। तो प्रोटोकार्डेटा में पहले एक पॉइंट्स को इंडिकेट किया है, उसके बाद लोअर वर्टिबेटा को इंडिकेट किया गया है, और उसके बाद हायर वर्टिबेटा को इंडिकेट किया गया है, ठीक। तो ये सब सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो हम सबसे पहले बात कर ले यूनिट फर्स्ट की, कि कॉर्डेटा के जो यूनिट फर्स्ट है उसमें क्या कहना चाह रहा है। तो कॉर्डेटा का जो यूनिट फर्स्ट कह रहा है वो हेमी कॉर्डेटा के अंतर्गत पढ़ना है। देखो स्टूडेंट, जब बात करते हैं हम हेमी कॉर्डेटा का, तो हेमी कॉर्डेटा के अंतर्गत हमको ब्लेनोग्लॉसस पढ़ाया जाता है। हम उसके बारे में बात करेंगे कि ब्लेनोग्लॉसस का ऐसा कौन कौन सा पॉइंट्स हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक पूरा का पूरा पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक चार्ट दिख रहा होगा। उस चार्ट में हम ये कवर करेंगे कि ब्लेनोग्लॉसस कैसे, या फिर कह ले कि हेमी कॉर्डेटा का जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के दो पोर्शंस हैं, हेमी कॉर्डेटा और सिफेलो कॉर्डेटा। तो हेमी कॉर्डेटा में आपको ब्लेनोग्लॉसस पढ़ना है, उसके बाद जो सिफेलो कॉर्डेटा है, सिफेलो कॉर्डेटा में ब्रांचियोस्टोमा पढ़ना है। ये दो एनिमल को पढ़ना है हमको, दोनों एनिमल काफी इंपॉर्टेंट हैं। यदि हम वीडियो की बात करें तो वीडियो कम से कम दोनों एनिमल को मिला के 30 के पार जाएगा। हम क्या करते हैं, मेरी वीडियो की क्लास कोई लंबी नहीं होगी, हम छोटे छोटे वीडियो को हर एक पॉइंट्स में कवर करेंगे। कहले कि रिस्पायरेशन अलग, डाइजेशन अलग, रिप्रोडक्शन अलग, मतलब हम पॉइंट्स टू पॉइंट्स या कहले टॉपिक बाय टॉपिक हर वीडियो को कवर करते नजर आएंगे। अब बात कर लें आगे, आगे जैसे ही आपको दिख रहा है कि हेमी कॉर्डेटा बता रहा है कि क्लासिफाई पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है हेमी कॉर्डेटा का, उसके बाद उसकी डिटेल स्टडी करनी है। कि क्लासिफिकेशन करने के साथ साथ उसके डिटेल स्टडी में हम ये देखेंगे कि अलग अलग इसके सब फाइलम क्या है, या सब ऑर्डर क्या है, या क्लास कौन कौन से आते हैं हेमी कॉर्डेटा के अंतर्गत। आगे फिर बात करेंगे इसकी जो ब्लेनोग्लॉसस है, ब्लेनोग्लॉसस का हमको पढ़ना है, हैबिट पढ़ना है, हैबिटेट पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के बारे में
पढ़ाया जाएगा ब्लेनोग्लॉसस के। यहाँ पे कई फिगर ऐसे होंगे जो काफी इंपॉर्टेंस होंगे, सारे फिगर के साथ हम ब्लैकबोर्ड पे नजर आएंगे, आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। तो पहले हम सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, आप बुक की व्यवस्था कर लीजिए क्योंकि अच्छे नोट्स और अच्छे जो जानकारी है वो आपको जल्द मिलने वाली है। आगे बात करेंगे, जैसे ही ब्लेनोग्लॉसस समाप्त होगा हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ब्रेंचियोस्टोमा। ब्रेंचियोस्टोमा जो है सेफेलोकारेटा को इंडिकेट करता है, तो सेम चीज हम यहाँ पे भी कवर करेंगे इसको, कि आपका जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी पढ़ेंगे और डिटेल स्टडी पढ़ेंगे किसकी, ब्रेंचियोस्टोमा का। उसके बाद यहाँ पे हाइब्रिड पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़नी है, ठीक। तो ये सेम चीज बता रहा है, तो दोनों चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप स्क्रीन से उठा लीजिएगा उसको। स्क्रीन पे उठाने का मतलब क्या है मेरा, कि आप उसको लिखिएगा तो टाइम लगेगा, यदि लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख सकते तो वीडियो रोक कर शार्ट स्क्रीन ले लो, क्योंकि शार्ट स्क्रीन करते ही आपको सारा का सारा गैलरी में सेव होगा, तो आप बाद में उसको कवर कर सकते हो, ठीक। और एक जरूरी सूचना, यदि कोई भी आपको दुविधा होती है तो कमेंट बॉक्स नीचे है, आप उसका यूज किया करो, क्योंकि सारे के सारे जो यूट्यूबर होते हैं वो कमेंट बॉक्स स्टूडेंट, देखो है मैं टीचर और स्टूडेंट के बीच यदि रिलेशनशिप एक मजबूत होगा तो मैं आपके परसेंटेज को बढ़ाने के लिए काम करता नजर आऊंगा, ठीक। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे और हर एक पॉइंट्स को आप मेरे से रूबरू कराएंगे तो हम जानेंगे कि मैं क्या स्पेशल आपके बारे में दे सकता हूं, ठीक। अब बात करें और आगे, तो ये फर्स्ट यूनिट खत्म होता है सेफेलोकारेटा और हेमिकारेटा के बाद। अब बात करेंगे सेकेंड यूनिट की, सेकेंड यूनिट में हमको पढ़ना है यूरेकारेटा। देखो स्टूडेंट, जब बात करते हैं यूरेकारेटा को, तो यूरेकारेटा में वही सेम चीज पढ़ाता है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है और उसके एग्जांपल्स को देखेंगे डिटेल स्टडी के रूप में, कौन कौन से क्लास, कौन कौन से आर्डर आ रहे हैं, कौन कौन से एनिमल आते हैं। फिर आगे बात करना है हैबिट पढ़ना है, हैबिटेंट्स पढ़ने हैं, किसके पढ़ने हैं, हार्मोनिया। एक हार्मोनिया एक ऐसा एनिमल है, उनको हमको पढ़ना है हार्मोनिया को, तो हार्मोनिया का मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और यहाँ पे पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, कि उसके एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। चलो अच्छी बात है, जितना बोल रहा है सारा का सारा हम पूरा सिलेबस कवर कर देते हैं, क्योंकि ये आल यूपी के सिलेबस है। आगे बात करेंगे कि सेकेंड यूनिट कंप्लीट होती है यहाँ पे यूरेकारेटा हार्मोनिया को लेके, ठीक। इसके बाद चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप यहां से सेकेंड यूनिट कवर कर लीजिएगा, रोक कर शॉर्ट स्क्रीन ले लो, काफी इंपोर्टेंस होगा। आगे बात करेंगे थर्ड यूनिट की, थर्ड यूनिट में क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिवेट्स, मतलब कि वर्टिवेट्स जितने भी हैं, वर्टिवेटा जितने भी हैं, वर्टिवेटा के जितने भी क्लास हैं उनकी सारे का सारा डिफरेंट क्लासेस हैं, जो अलग अलग क्लास हैं, सारा का सारा क्लासिफिकेशन नेचर पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन नेचर के साथ साथ जो हमारा फिशरी आती है फिशरी के बारे में पढ़ना है, एम्फीबिया पढ़ना है, रेप्टाइल्स पढ़ने हैं, मतलब तीन एनिमल को हम यहां से देखेंगे और उनके कैरेक्टर्स को देखेंगे आर्डर तक, कि आर्डर तक हम उसको डेरिवेट करके लाएंगे, क्लासिफिकेशन करके लाएंगे और वहां पे जितने भी एनिमल होंगे उनके बारे में हम सही से दिखाएंगे कि कैसा दिखा रहा है। और ये रही चार्ट, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चार्ट के कैसे बता रहा है क्या क्या पढ़ना है। आगे बात करें कुछ एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल्स हम कवर कर लेंगे उसके साथ साथ, और इसमें एक न्यूटिनी आती है, एक इंपॉर्टेंस है, हम अपने शॉर्ट नोट्स में उसको कवर भी करा लेंगे आपके साथ। और सबसे बड़ी चीज है कि ये क्वेश्चंस बराबर हर एक यूनिवर्सिटी में आया है, आप यहां से कवर करिएगा। यूनिट थर्ड की बात कर रहा है यहाँ पे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस जो स्नेक होते हैं, जो सांप होते हैं, जहरीले सांप और जो होते हैं विषैले सांप और विषहीन सांप, इन दोनों सांप की पहचान और सारा का सारा कैटेगरी आपके बुक में दिया होगा, मैं भी हो टाइम मिलेगा तो आप कवर करते नजर आएंगे, ठीक। आपकी वीडियो जरूर उपलब्ध कराता, मेरा जिम्मेदारी भाई, कराएंगे ही। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे उसके काटने के मैकेनिज्म को पढ़ना है, सॉरी मैकेनिज्म को पढ़ना है, कि मैकेनिज्म कैसे कह रहा है कि किस हिसाब से जो हमारे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक हैं वो कैसे ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करते हैं या फिर किसी भी एनिमल्स को इफेक्ट करते हुए नजर आते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। यूनिट थर्ड में जो हमारा कह रहा है कि वर्टिवेट्स के अलग अलग क्लास हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो बोल रहा है चौथा यूनिट के बारे में बात कर रहा है, क्लासिफिकेशन डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिवेट्स की बात कर रहा है, मतलब सेम चीज यहाँ भी बोल रहा है चौथा यूनिट भी, उनमें हमको पढ़ना है एविज और मैमल्स। तो हम ये कह लें कि हमको वर्टिवेट्स के पांचों कैरेक्टर्स को पढ़ना है, पांचों जो सुपर फाइलम है, सॉरी सुपर क्लासेस है, सुपर क्लासेस के बारे में पढ़ना है। एविज और मैमल्स को हम यहाँ पे देख लेंगे और सारा का सारा जो मैमल्स का ड्यूरेशन होते हैं उनके बारे में और क्या कहता है इंट्रोडक्शन, देखो पढ़ना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो कवर कर लेंगे। अब क्या क्या पढ़ना है इसमें, हम इनके बारे में बात कर लें थोड़ा सा, चलते हैं आगे। तो बात कर ले सबसे पहले ब्लेनोग्लॉसस में, तो ब्लेनोग्लॉसस का मैंने बताया कि सारा चीज पढ़ लेना है। उसके बाद
आगे बात करेंगे ब्लेनोगलासस कंप्लीट करने के बाद, तो ब्रांचियोस्टोमा को पढ़ लेंगे। ब्रांचियोस्टोमा के बाद हमको पढ़ना था हार्मोनिया, हार्मोनियों को पढ़ लेंगे। उसके बाद फिशरी एम्फीबिया रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ना है। देखो फिशरी एम्फीबिया रेप्टाइल्स के बारे में सब एकदम सिंपल सिंपल पढ़ने, कुछ स्पेशल नहीं है, सारा सारा इंट्रोड्यूस कराएगा। यदि आप 11th साइज से पढ़े हैं, 11th के एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड या फिर जितने भी स्टेट बोर्ड है उनके, यदि 11th के आप क्लासिफिकेशन पढ़े हैं कि जो कार्डेटा के क्लासिफिकेशंस हैं, क्लासिफिकेशन आप 11th के सही से कंप्लीट किए होंगे, तो आपको बीएससी सेकेंड ईयर का जो 2 यूनिट लास्ट का है उससे बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, आप सही से उसको कवर कर पाएंगे। तो ये रहा बीएससी सेकेंड ईयर का पूरा जूलॉजी का फर्स्ट पेपर का एक ब्रीफ नोट्स के रूप में एक सिलेबस, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, आप इस तरीके से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।